अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने पास्ता और मैक्रोनी की आपके साथ कई रेसिपीज़ शेयर की हैं, आज भी मैं आपके साथ मैक्रोनी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये है बटरी होल व्हीट पास्ता। और बटरी होल व्हीट पास्ता बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, होल व्हीट पास्ता मैंने लिया है 400 ग्राम्स, यानी आधा किलो से थोड़ा कम। और पास्ता बॉईल करते हुए हम 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट का डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल करेंगे। सॉस बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, बटर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, सोया सॉस मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, स्प्रिंग अनियंस यानी हरी प्याज मैंने ली है 3 अदद, मटर लिए हैं 250 ग्राम्स यानी 1 पाव, कैरेट्स मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज की, पिंक सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर मैंने ली है 1/2 टीस्पून। बटरी होल व्हीट पास्ता में हम चिली गार्लिक सॉस भी डालेंगे 3 टेबल स्पून, और मेयोनीज के भी हम 3 टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास पाउच पैक है, मैं इनसे डायरेक्ट डालूंगी। बटरी होल व्हीट पास्ता बनाने के लिए मैंने बड़े साइज के पतीले में 5 ग्लासेस पानी के डाल दिए हैं, और इसे मैंने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी अभी शामिल कर रही हूँ, और कुकिंग ऑयल जो हमने लिया था वो भी इसी में डाल रही हूँ। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो हम इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। तब तक मैं सॉस रेडी कर लेती हूँ। जब तक पानी बॉईल हो रहा है हम सॉस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने बड़े साइज़ का पैन रख दिया है और ये मीडियम फ्लेम पे है। इसमें मैं बटर डाल रही हूँ। बटर मेल्ट हो गया है और अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देते हैं। गाजर मैंने डालती हैं और मटर भी इसमें शामिल कर रही हूँ और हरी प्याज भी। अब मैं इसमें पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम 10 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ढककर रख देंगे। पानी बॉईल हो गया है और अब मैं इसमें पास्ता शामिल कर रही हूँ। होल व्हीट पास्ता मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है और अब हम इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं और वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं, मटर भी गल गए हैं और गाजरें और हरी प्याज भी पक गई है। तो अब मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। सोया सॉस शामिल करने के बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें मेयोनीज के शामिल कर रही हूँ, और 3 टेबल स्पून ही हम चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डाल रहे हैं। जी फ्रेंड्स, इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ढककर रख देंगे। एल्बो मैक्रोनी बॉईल हो गई हैं और अब हम स्ट्रेनर की मदद से इन्हें छान के निकाल लेते हैं। एल्बो मैक्रोनीज बॉईल हो गई हैं और इन्हें मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी बॉईल हुई हैं और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, क्योंकि हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था। तो अब हम सॉस देख लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, सॉस रेडी है। तो अब हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी शामिल कर देते हैं। 400 ग्राम्स मैक्रोनी हम इसमें डाल रहे हैं। होल व्हीट मैक्रोनी को मैंने खूब मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा मक्खन। और 3 टेबल स्पून मक्खन जो हमने शुरू में शामिल किया था, ये उसके अलावा है, ये आपकी मर्जी है, आप जितना चाहें डाल। बटर डालने के बाद मैं इसे ढक कर रख रही हूँ और साथ ही इसका चूल्हा भी बंद कर रही हूँ।
दो मिनट के बाद मैं इसे सर्विंग के लिए निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए बटर मेल्ट हो गया है और अब मैं इसे सर्विंग के लिए निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म मज़ेदार बटरी होल व्हीट पास्ता बिल्कुल रेडी है। हमेशा की तरह आज की रेसिपी तो आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी और आप इसे अपने घर में बनाकर ट्राई तो करेंगे ही। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद तो आ ही गई है, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ये इंटरेस्टिंग और हेल्दी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये है होल व्हीट पास्ता जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और जो आम पास्ता से बहुत टेस्टी होता है। बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर रेसिपी वक्त पर मिलती रहे। बहुत जल्द एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।